प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 वर्ष बेमिसाल को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता ने भाजपा कार्यालय पर की पत्रकार वार्ता 8 वर्ष के कार्यों को बताया। मधुसार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आज सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। कई हितग्राहियों को योजना के लाभ दिए गए, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जिन घरों में शौचालय नहीं थे और जो लोग घरों के बाहर सोच करने जा रहे थे उनके घरों में पक्के शौचालय का निर्माण कराया गया। लोगों का इलाज 5 लाख रुपए तक आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क इलाज हुआ, जिसमें अभी तक लगभग 3 करोड़ 2 लाख लोगों ने आयुष्मान योजना का लाभ लिया और उन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों का इलाज कराया और वह स्वस्थ हुए हैं। लगभग 12 करोड़ लोगों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड बनवाया, अभी भी लोग आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। 5 साल में कई मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दी गई है, कई अंडर ब्रिज, कई ओवर ब्रिज भी बने हैं और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत भी सड़क का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण किया। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कम हुई, वर्ष 2018 में घुसपैठ 143 थी जो वर्ष 2021 में सिर्फ 28 तक रह गई। ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन राहत द्वारा युद्धग्रस्त देशों में फंसे भारतीयों को निकाला गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को 9 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन दिए गए। इसी कई योजना का हितग्राहियों को लाभ दिया गया। नहीं, बहुत स्पष्टता है कि 2014 का जो भारत है और 2000 का जो भारत है वो आर्थिक रूप से सबल भारत है, गरीबी से मुक्ति के यज्ञ में अपने आप को आगे बढ़ाता हुआ भारत है। कोविड जैसी भीषण बीमारियों से, महामारियों से लड़ते हुए अपने करोड़ों लोगों को और विश्वासी बनाते हुए आगे बढ़ाने वाला भारत है। नए मेडिकल कॉलेजों के साथ, नई सड़कों के साथ, नए हवाई अड्डों के साथ, एम्स जैसे बड़े अस्पतालों की नई श्रृंखलाओं के साथ, IIT के खुलने वाले प्रतिवर्ष एक नए यूनिट के साथ, भारतीय सेनाओं को सबल और मजबूत बनाते हुए दुनिया की ताकतवर सेना भारत की सेना बने, दुनिया के सबसे बड़े रिफॉर्म में भारत की सेना है, वो 3 युद्ध एक साथ लड़ ले इस तैयारी से अगले आने वाले 7 सालों के लिए काम कर रही है। ग्रामीण भारत में प्रत्येक बहन को गैस का चूल्हा उपलब्ध है, प्रत्येक घर पर बिजली का कनेक्शन दे दिया गया है, प्रत्येक घर पर नल से कनेक्शन दे दिया जाएगा, इस संकल्प के साथ भारत खड़ा हो रहा है। 2025 में भारत TB मुक्त भारत होगा। 2025 तक भारत के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को रहने से, खाने से, स्वास्थ्य की सुविधाओं से और 100% पूर्ति के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए 80 करोड़ गरीब नागरिकों को निःशुल्क राशन ही उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, तो शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हम हर फैसिलिटी से जोड़ पाने में आगे बढ़े हैं। इसलिए ये 8 साल बनाम पिछले कांग्रेस के सालों को अगर गिने तो 8 साल में 75 सालों में ये 8 साल बड़े भारी हैं, इसलिए बेमिसाल हैं।